कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ टू ड्राई, पुट द क्लोथ टू ड्राई। आलू छिल दो, पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द पोटैटोज। संतरे छिल दो, पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, मेक द बेड। यू कैन ऑल्सो से प्रिपेयर द बेड। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, ऐसे ही 50 प्लस डेली यूज इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बिना स्किप किए हुए वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको जो अलग अलग इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ढक्कन खोल दो, ओपन द लीड, ओपन द लीड। अगर उसका कैप है या कवर है तो कैप लगा सकते हैं, कवर भी लगा सकते हैं, ओपन द कवर, ओपन द कैप। नेक्स्ट सेंटेंस, नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। इस सेंटेंस को हिंदी में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, नल चालू कर दो तो टर्न ऑफ द टैप। अगर बोलो नल बंद कर दो तो इसके लिए बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। यहाँ पर याद रखिएगा ओ डबल एफ ऑफ है। नेक्स्ट सेंटेंस, चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट। नेक्स्ट सेंटेंस, बिस्तर पर चादर बिछा दो, इसके लिए आप कहिएगा स्प्रेड द सीट ऑन द बेड, स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है, दीवार पर सहारा मत लो। मीन्स हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं दीवार पर उठगो मत, मीन्स उसमें सहारा मत लो। इसके लिए बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, या मुझ पर उठगो मत, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। यहाँ पर डू नॉट का यूज इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई काम को कभी नहीं करना है, जैसे कि दीवार पर तुमको कभी नहीं उड़गना है। अगर डोंट लगा देंगे तो इसका मतलब होगा अभी मत उठगो, बाद में उड़क जाना, मतलब बाद में दीवार का सहारा ले लेना, तो ऐसा मीनिंग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, तो इसके लिए बोलेंगे डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। नेक्स्ट, दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। यू कैन ऑल्सो से स्पीक क्वाइटली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। तेज बोलो, स्पीक क्विकली, स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। खाना लगा दो, सर्व द फूड, सर्व द फूड। दबे पांव चलो, वॉक ऑन द टिप टो, वॉक ऑन द टिप टो। टिप टो का मतलब होता है दबे पांव। ये वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि वो दबे पांव कमरे में घुसा, तो इसके लिए बोलिएगा ही टिप टोड इन टू द रूम, ही टिप टोड इन टू द रूम। नेक्स्ट, मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। अगर संडे ऐसे बोलना हो, मुझ पर एक एहसान करो, सलमान खान का डायलॉग है ना, इसके लिए बोलेंगे डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। नेक्स्ट, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। अगर एक एक बोलना होगी बहाना मत बनाओ, तो इसके लिए बोलेगा डोंट मेक एन एक्सक्यूज, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, समय की नजाकत को समझो, मीन्स समय की गंभीरता को समझो, तो इसके लिए बोलेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। नेक्स्ट, अपने बाल बना लो, कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर। यहाँ पर बी साइलेंट है, याद रखिएगा एम के बाद जब भी बी आएगा तो वो साइलेंट होगा, उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। लड़की रहेगी तो लेट हर टेक टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, आंख मत मारो, डू नॉट विंक, डू नॉट विंक। अगर बोल रहा हूँ मुझे आंख मत मारो, डू नॉट विंक एट मी, डू नॉट विंक एट मी, या डोंट विंक एट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इशारा मत करो, डू नॉट गेस्चर, डू नॉट गेस्चर। नेक्स्ट, बकबक मत करो, डोंट प्रेटल, डोंट प्रेटल। अगर बोलना हो बकबक क्यों कर रहे हो, वाई आर यू प्रेटलिंग, वाई आर यू प्रेटलिंग, ऐसे भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे पंगे मत लो, या मुझसे पंगा मत लो, डू नॉट मैस विद मी, डू नॉट मैस विद मी, या नहीं तो डोंट मैस विद मी, मिला देंगे। धूप सेक लो, बोलते हैं ना धूप सेक लो, इसके लिए बोलेंगे बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। बास्क का मतलब होता धूप सेकना। नेक्स्ट सेंटेंस, रोटियां बेल लो, या रोटियां बेल दो, इसके लिए बोलेंगे रोल द चपातीज,
रोल द चपातीज, रोटियां कैसे बनाएं, तो इसके लिए बोलेंगे हाउ टू रोल द चपाती, हाउ टू रोल द चपाती। आटा गूंद लो, आटा गूंद दो, बोलते हैं ना आटा गूंद लो, इसके लिए बोलेंगे नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर, इसको फ्लावर ही पढ़ते हैं आटा को भी, और यहाँ पर के साइलेंट है नीड में। नेक्स्ट सेंटेंस, रोटियां सेक लो या रोटियां बना लो, तावे पर सेकते हैं ना, तो इसके लिए बोलेंगे बेक द चपातीज, बेक द चपातीज। नेक्स्ट, जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज, अपना जूते पहन लो तो पुट ऑन योर शूज। नेक्स्ट सेंटेंस, जूते उतार लो, इसके लिए बोलेंगे टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज। शर्ट पहन लो, वेयर द शर्ट, या नहीं तो पुट ऑन द शर्ट। नेक्स्ट, शर्ट उतार लो, इसके लिए बोलेंगे टेक ऑफ द शर्ट, टेक ऑफ द शर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पर मत लो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ, जब एयरपोर्ट बोलते हैं ना उसे विदा कर दो, एयरपोर्ट छोड़ दो या बस स्टैंड छोड़ दो, तो विदा करने को बोलते हैं सी हिम ऑफ, मीन्स उसे विदा कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, यू कैन ऑल्सो से इट्स बिकमिंग डार्क और इट्स बींग डार्क, ऐसे ही बोल सकते हैं, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क, इट्स गॉट डार्क, यानी तो इट्स बिकम डार्क। अब यहाँ पर जी, यहाँ जो इट्स है, इट हैज का कॉन्ट्रास्ट भी इट्स ही होता है, यहाँ पर इट हैज है, इट हैज गॉट डार्क, उसको शॉर्ट, इट हैज को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहाने दो, लिमिट टेक अ बाथ, लिमिट टेक अ बाथ, मीन लेट मी को शॉर्ट में लिमी पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। हे दोस्तों, 50 सेंटेंसेस पूरा हो गया है, इसके पार्ट टू को मैं जल्दी लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए।